है, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो SMS आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ पूरा स्क्रॉल करके कितने सारे यहाँ पर SMS आ चुके हैं। मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। आज हम लोग अपने टर्मक्स एप्लीकेशन में टी बॉम्ब टूल डाउनलोड करके अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा प्रैंक करने वाले हैं, और ये प्रैंक बहुत ही ज़्यादा घातक होने वाला है, क्योंकि इससे आपके दोस्त का दिमाग एकदम हिल जाने वाला है। तो दिल थाम के इस वीडियो को देखते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपना टर्मक्स एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन कर लोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा। देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि आपको यहाँ पर जो कमांड्स पहले टाइप करनी है मैं आपको बता दूँ, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर APT अपडेट एंड अपग्रेड कर लेना है। सबसे पहले कमांड यहाँ पर आपको टाइप करनी है APT अपडेट एंड APT अपग्रेड, देन एंटर पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे आपका APT अपडेट एंड अपग्रेड हो जाए, इसके बाद आपको जो कमांड डालनी है मैं आपको बताऊँगा। देन आपको वाई टाइप करना है, वही टाइप करने के बाद एंटर पर क्लिक कर देना है, और जो आपका APT अपडेट अपग्रेड वगैरह सब कुछ हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो अपग्रेड एंड अपग्रेड का प्रोसेस चालू हो चुका है। यहाँ पर आपको डाटा भी चाहिए, थोड़ा फास्ट है मेरा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जल्दी हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे प्रोसेस जब तक कम्प्लीट हो जाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तो चलने देते हैं। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो, आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अब देखिए जहाँ भी आपका प्रोसेसिंग रुक जाए सिंपली आपको एंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे एंटर पर क्लिक करोगे आपका जो प्रोसेस है फिर से यहाँ पर चालू हो जाएगा। देन अभी यहाँ पर फिर से थोड़ा सा वेट करना है। सो यहाँ पर प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कमांड टाइप करनी है PKG इंस्टॉल गिट, देन एंटर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर एक अगली कमांड टाइप करनी है PKG इंस्टॉल पाइथन PYTHON, देन एंटर। इतना करने के बाद सिंपली आपको फिर से इस प्रोसेस को पूरा हो जाने देना है। देन आपको यहाँ पर जो कमांड टाइप करनी है, अब आपको यहाँ पर कमांड टाइप करनी है गिट CLONE। गिट क्लोन के बाद आपको चले आना है आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में। इसके बाद आपको आना है गूगल में, देन सर्च करना है टी बॉम्ब गिट हब। जैसे टी बॉम्ब गिट हब सर्च करोगे यहाँ पर आ जाएगा पहला लिंक, पर आपको क्लिक करना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर इसको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। डेस्कटॉप साइट में जैसे ही आप करोगे बस सिंपली आपको यहाँ पर दिखेगा कोड वाला ऑप्शन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कोड पर क्लिक करोगे देन यहाँ पर जो कोड है यानी कि जो लिंक है आ जाएगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी हो चुका है, देन आपको आना है अपने टर्मक्स एप्लीकेशन में। यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर इस लिंक को कर देना है पेस्ट। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, देन एंटर पर आपको क्लिक कर देना है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, स्पेस नहीं दिया हमने, इसलिए यहाँ पर फिर से कमांड टाइप करना है गिट क्लोन लिख करके थोड़ा सा स्पेस देना है। देन आपको इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से एंटर पर क्लिक कर देना है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टी बॉम्ब डाउनलोड करके यानी कि टी बॉम्ब टूल को यहाँ पर अपने टर्मक्स एप्लीकेशन में पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ इस टाइप का दिख रहा है। आपने नहीं किया होगा तो आपका जो टी बॉम्ब है आपके फ़ोन में यानी कि आपके टर्मक्स एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो अगली कमांड टाइप करने में बता दूँ ls टाइप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर टी बॉम्ब ब्लू कलर में आ चुका है। अब आपको यहाँ पर कमांड टाइप करनी है CD TBOM, जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ ऐसे ही आपको टाइप करना है। देन आपको एंटर पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद फिर से आपको ls टाइप करना है। जैसे ls टाइप करोगे अब आपको यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो अभी आपको यहाँ पर tbomb.sh को यहाँ पर कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेना है। देन आपको यहाँ पर .tbomb.sh यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आपको फिर से एंटर पर क्लिक कर देना है, और अभी आप लोग यहां पर देख सकते हो SpeedX लिख करके आ चुके हैं, यानी कि जो हमारा टूल है यहां पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली आपको यहां पर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर सिर्फ और सिर्फ SMS बॉम्बर ही काम करता है, तो मैं यहां पर SMS बॉम्बिंग करके अपने ही नंबर पर दिखा देता हूँ,
वन प्रेस करेंगे देन एंटर। देन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सारा चेकअप हो रहा है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी कंट्री कोड डाल देना है। हम अपना कंट्री कोड डाल देते हैं, इसके बाद एंटर पर क्लिक कर देना है। देन आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, तो मैं यहाँ पर अपना ही मोबाइल नंबर डालूँगा, दूसरे का नहीं। देन एंटर पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर कितने मैसेज एक साथ सेंड करने हैं बारी बारी से, तो मैं भी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मैसेज सेंड करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पर 500 मैसेज तक कर सकते हो, यानी कि 500 SMS बॉम्बिंग कर सकते हो एक ही साथ। देन एंटर। और यहाँ पर आपको कितने सेकंड का गैप रखना है, तो मैं यहाँ पर रख लूँगा 5 सेकंड। देन एंटर। अब आपको यहाँ पर कितने कैरेक्टर के मैसेज सेंड करना है, तो आप लोग यहाँ पर मतलब कितने थ्रेड्स के, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 10। देन एंटर। अब इसके बाद फिर से आपको एक बार एंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे एंटर पर क्लिक करोगे, अभी यहाँ पर हमारे फ़ोन में SMS के बॉम्ब फूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ पर SMS जाना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर नंबर्स देख सकते हो, 3 SMS सेंड हो चुके हैं। अभी यहाँ पर कोई भी SMS नहीं है, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो SMS आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ पूरा स्क्रॉल करके कितने सारे यहाँ पर SMS आ चुके हैं। मैं यहाँ पर अगर इनको ओपन करके दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर SMS आते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने दोस्त के मोबाइल नंबर पर SMS बॉम्बिंग कर सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता सकते हो। आज की इस वीडियो में बस नहीं, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।